हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक क्लास 9 से रिलेटेड है और आज हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग पालमपुर विलेज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। पालमपुर के आसपास विलेजेस और टाउन है जिससे पालमपुर कनेक्टेड है। पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज रहती है जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है। सो देयर आर 80 अपर कास्ट फैमिली। 80 अपर कास्ट फैमिलीज है जिनके पास खुद का घर, खुद का लैंड, सब कुछ है। उसके बाद आते हैं दलित्स। नाउ हु आर दलित्स? द शेड्यूल कास्ट पीपल्स आर नोन हैज दलित्स। जो शेड्यूल कास्ट पीपल है उन्हें हम दलित्स बोलते हैं। 450 फैमिलीज में से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हो गई और बाकी की बची 1/3 पॉपुलेशन दलित्स हो गई, ठीक है, जिनके पास ना तो ज़्यादा बड़ा घर है ना तो ज़्यादा छोटा, ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट पीपल है उनका घर एकदम विलेज के कॉर्नर पे है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि विलेजेस और टाउन्स में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, बट विलेज पालमपुर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस सारे घरों में था। सो गाइस, विलेज पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल्स थे और एक हाई स्कूल था, ठीक है ना। उधर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था जो गवर्नमेंट चलाती थी और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी जहाँ पर सिक पीपल्स को ट्रीट किया जाता था, ठीक है। विलेज पालमपुर में सारी तरीके के व्हीकल्स चलते थे, बुलक कार्ट्स चलती थी, टोंगोस चलते थे, ठीक है। सो विलेज पालमपुर में सारी चीज़ें अवेलेबल थी। सो गाइज, अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटीज़ क्या होती थी विलेज पालमपुर पे। विलेज पालमपुर में फार्मिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ट्रांसपोर्ट्स चलते थे, और जैसे कि शॉप होती है ना जहाँ से हम कुछ भी खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी विलेज पालमपुर में अवेलेबल थी। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फार्मिंग के लिए किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है लैंड। दूसरी चीज़ होती है वो होती है लेबर। लेबर दो तरीके के होते हैं, एक स्किल्ड लेबर्स होते हैं और एक अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए, वो है कैपिटल। सो गाइस, कैपिटल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होता है लाइक मशीन्स और बिल्डिंग्स, जो चीज़ें 2, 3, 4, 5 सालों तक चलती हैं उन्हें फिक्स्ड कैपिटल्स कहते हैं। मान लो हम लोगों ने एक बिल्डिंग बनाई, वो 5-6 सालों तक चली, हमें उसमें कुछ भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो चीज़ हमने खरीदी, फिर से हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई और उसमें हमें मनी लगाना पड़ा, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गया। फोर्थ होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है जिसमें नॉलेज और एंटरप्राइजेस की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड इज़ फिक्स्ड। देखो, विलेज पालमपुर में ज़्यादातर लोगों की लाइफ वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। विलेज पालमपुर के 75% पीपल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, वो सिर्फ फार्मिंग ही कर सकते हैं, ठीक है। अब 1916 में हुआ क्या, जो लैंड था उनका एक्सपेंशन ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। ज़्यादातर लोग लैंड्स का यूज़ करने लग गए फार्मिंग के लिए। अब जिन लोगों को फार्मिंग करनी थी उन लोगों के पास लैंड्स नहीं थे। सो विलेज पालमपुर में कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड थे जिनमें सिर्फ कचरा कूड़ा भरा रहता था, ठीक है। सो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने इस वेस्ट लैंड को कल्टीवेट लैंड बना दिया जहाँ पर वो लोग फार्मिंग कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम लोग ये पढ़ेंगे क्या हम लोग एक लैंड पे दो तरीके की क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले हम लोग सीजन्स पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से सीजन्स में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं। दो तरीके के सीजन्स होते हैं, एक होता है क्राफी सीजन और एक होता है रावी सीजन, ठीक है। क्राफी सीजन में ज्वार बाजरा ग्रोन होती है, पटैटोज का भी कल्टीवेशन होता है, और क्राफी सीजन्स हम लोग अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रावी सीजन्स। रावी सीजन्स में वीट का कल्टीवेशन होता है और शुगर केन का। वीट और शुगर केन साल में एक बार ही कल्टीवेट होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, जैसे हम लोगों ने आगे देखा कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम एक ही लैंड पे दो या दो से ज़्यादा तरीके की क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं। सो यस गाइस, हमारे पास एक तरीका है जिससे हम लोग एक ही लैंड पे दो तरीके की क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग वो होता है जब हम एक ही लैंड पे दो या दो से ज़्यादा तरीके की क्रॉप्स का ग्रोथ कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं एक ही साल में, तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अब मल्टीपल क्रॉपिंग करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग से जो वीट का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है।
सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग। सो 1960 में जो विलेज पालमपुर के लोग थे वो सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते थे, ठीक है ना। अब ट्रेडिशनल सीड्स को लेस इरिगेशन चाहिए होता है और विलेज पालमपुर के लोग उसमें काव डक का भी यूज़ करते थे और अदर नेचुरल मैन्यूज़ का भी यूज़ करते थे और फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते थे। सो गाइस, सीधे ट्रेडिशनल मेथड के बाद तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 1960 में। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 में तो क्या हुआ, ठीक है ना। 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो वीट और राइस के लिए आया था, ठीक है। अब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स के बारे में भी जाना। अब HYV सीड्स क्या होते हैं? HYV सीड्स वो होते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं सिंगल प्लांट की, जिसमें ज़्यादा ग्रेन ग्रोथ है। मान लो एक प्लांट है, ठीक है, एक सिंगल प्लांट है और उसमें से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वीट का, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है राइस का, तो ये HYV सीड्स हमें हेल्प करते थे, ठीक है। बट एक चीज़ थी कि HYV सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता था, ठीक है, उनको ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होते थे, पेस्टिसाइड्स चाहिए होते थे बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। सो गाइस, अब हम लोग ये समझेंगे कि विलेज पालमपुर में जब ट्रेडिशनल फार्मिंग का यूज़ किया जाता था तब कितना प्रोडक्शन होता था वीट का, और जब विलेज पालमपुर में मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ किया गया, मतलब HYV सीड्स का, तो कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। विलेज पालमपुर में जब ट्रेडिशनल फार्मिंग का प्रोडक्शन किया जाता था तो सिर्फ 1300 kg प्रोडक्शन होता था, ठीक है ना। बट जब हमने HYV सीड्स का यूज़ किया तो जो प्रोडक्शन था वीट्स का वो पूरा 3200 kg चला गया। तो मतलब मॉडर्न फार्मिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विलेज पालमपुर में। सो गाइस, अब हम लोग ये देखेंगे कि जब विलेज पालमपुर में लोग मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करने लग गए तो क्या लैंड सस्टेन कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ज़्यादा यूज़ करने से मॉडर्न फार्मिंग का जो नेचुरल रिसोर्सेज थी वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, ठीक है ना। दूसरी चीज़, लॉस हो गया था फर्टिलिटी का, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से जो हमारा लैंड था, जो उसमें उपजाऊपन होता है जिससे जो प्लांट होते वो ग्रो होते थे, वो भी डिस्ट्रॉयड हो चुका था पूरी तरीके से, ठीक है ना। अब जब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल में आ गए, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ? सो गाइस, हुआ क्या, लॉस ऑफ फर्टिलिटी में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा, ठीक है ना, तो उपजाऊपन हुआ नहीं। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे सॉइल में वो ज़्यादा देर तक सॉइल में नहीं रह सकते, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक सॉइल में नहीं रह सकते हैं। सो हुआ क्या, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स थे वो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उनमें चले। सो गाइस, हुआ क्या, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स अंडरग्राउंड वाटर में चले जो पानी का लेवल था वो भी कम हो गया, ठीक है ना। अब विलेजेस में अंडरग्राउंड वाटर ही यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है ना, ठीक है। ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है तो ये सारा जो ट्यूबवेल से पानी आता है वो भी अंडरग्राउंड वाटर से ही आता है। सो अंडरग्राउंड वाटर में भी केमिकल फर्टिलाइजर्स मिक्स्ड थे। उसके बाद जो ग्राउंड वाटर होता है वो कभी कभार नदियों में भी बह के चला जाता है, तो जो नदियाँ थी वो भी पॉल्यूट हो रही थी, ठीक है ना। और इस अंडरग्राउंड वाटर में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उससे जो पानी का लेवल था वो भी कम हो चुका था, तो ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न था। सो जो सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर होता है वो आने वाले सालों में भी बिल्डअप होते रहते हैं, जो सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर होता है वो आने वाले सालों में भी यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न फार्मिंग की वजह से एक ये चीज़ भी इफ़ेक्ट हुई थी। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, इसका पार्ट टू भी आएगा तो आप उसको देखने बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो अगर आप सभी लोगों को मेरा पार्ट वन अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, क्योंकि जब मेरे वीडियो का पार्ट टू आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय।